हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बारे में, यानी कि इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन कैसे हैं, इनके बारे में हमारे को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर आपने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में समझा था। तो एक पड़ोसी देश जो है हमारा पाकिस्तान, उसके बारे में आप पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। और पाकिस्तान को छोड़ के और जितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमारे को इस वीडियो के अंदर पढ़ाई करनी है। वैसे भी हम सभी को पड़ोसी देशों के बारे में जानने में मज़ा भी आता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उनके अंदर भी हम पड़ोसियों के बारे में रोचकता जरूर रखते हैं। मम्मियाँ तुम्हारे को एग्जाम्पल दे दे के थकती नहीं होंगी, देख ले शर्मा जी का लड़का कितना पढ़ रहा है, पड़ोसी है तुम्हारे, ठीक है। तो मतलब कि पड़ोसियों के बारे में हमारी जो हमेशा से जो रोचकता है ना, वो हमेशा से बनी रहती है कि भाई पड़ोस में चल क्या रहा है। तो ऐसे ही इंडिया के पड़ोस में क्या चल रहा है, इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, तो उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला पड़ोसी देश हमारा लिखा हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में हमारे को सबसे पहले पढ़ना है। लिखा है फर्स्ट जो है, इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में घुसपैठ करते हैं, ठीक है। पहले देखो हम यहाँ पे टॉपिक के अंदर बांग्लादेश के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया की गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, मतलब कि इंडिया की सरकार का कहना क्या है, और दूसरी बार हम देखेंगे यहाँ पे बांग्लादेश गवर्नमेंट स्टैंड, यानी कि बांग्लादेशी सरकार का कहना क्या है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या कह रही है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में घुसपैठ करते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश से कई सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो प्रवास करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये बात जो है इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है बांग्लादेश से कि भाई आप जो है ना इस चीज़ को सही करो, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये इलीगल माइग्रेंट्स वाला पहला मुद्दा आता है। दूसरा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट सपोर्ट एंटी इंडियन फंडामेंटलिस्टिक ग्रुप, यानी कि भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथियों का समर्थन करती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट, ठीक है। भारत के विरोध में जितने भी इस्लामी कट्टरपंथी जो ग्रुप हैं बांग्लादेश के अंदर जो आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेशी सरकार के द्वारा। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि बांग्लादेशी सरकार जो है ना उन लोगों को वहां से अपने देश से भगाती नहीं है। जैसे कि कई बार देखने को मिला है कि जो पाकिस्तान है हमारे बगल में, ठीक है, तो पाकिस्तान से क्या होता है, कई सारे जो इस्लामी कट्टरपंथी लोग जो इंडिया के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करते रहते हैं, तो वो कई बार आके बांग्लादेश के अंदर आके शरण ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट की वहाँ पे जिम्मेदारी बननी चाहिए कि भाई वो क्या करें, उन सब चीज़ों को वहाँ से हटाएं, उन लोगों को जो भारत के विरोध में काम कर रहे हैं वहाँ से भगाएं। ये उनकी कर्तव्य है, उनका कहना मतलब कि करना ऐसा चाहिए। लेकिन जबकि वहाँ पे क्या है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्टैंड लेती ही नहीं है, और इसीलिए इंडिया की सरकार कह रही है कि भाई बांग्लादेशी गवर्नमेंट उनको हटाती नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, उनका सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो वो दूसरा पॉइंट कि भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथियों का समर्थन करती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट, ये इंडिया के खिलाफ में जा रहा है। तीसरा, इंडिया क्या बोलता है कि बांग्लादेश यदि अपने क्षेत्र से कॉरिडोर दे दे तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि उत्तर पूर्व जो स्टेट है, यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। ऐसा कहने का मतलब है किसका, इंडिया की सरकार का। इंडिया की सरकार कह रही है कि भाई अगर बांग्लादेश ने क्या करा, हमारे को एक कॉरिडोर दे दिया, मतलब एक रास्ता दे दिया जाने का, तो उस रास्ते से हमारी जो ये जितने भी जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहलाते हैं, आपने नाम सुना होगा सेवन सिस्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे सेवन सिस्टर्स राज्य जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, इनके साथ क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी अगर बांग्लादेश क्या करता है, हमारे को कॉरिडोर दे देता है, ठीक है। तो बांग्लादेश अगर कॉरिडोर देगा तो भाई कनेक्टिविटी बढ़िया हो सकती है, क्योंकि जो ये बांग्लादेश के ऊपर जो ये पतला सा रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जूम करके देखना, आजकल यूट्यूब के अंदर फीचर आ चुका है, जूम कर जाती है वीडियो, बिल्कुल जूम करके देखना, तो जो ये रास्ता जो है यहाँ पे पतला सा, ये पतला सा रास्ता बहुत कम पड़ जाता है। कई बार अगर जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है यहाँ पर, या मिलिट्री वालों को भेजना पड़ता है हमारे को बहुत सारे तादाद में,
तो ये रास्ता उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए इंडिया की सरकार कहती है कि भाई हमारे को एक कॉरिडोर दे दो बांग्लादेश से, ताकि हमारी इन राज्यों के साथ कनेक्टिविटी क्या हो, बढ़िया हो जाए। लेकिन बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऐसा करने से मना कर देती है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टैंड भारत की सरकार का कि भाई वो हमारे को क्या कर रहे हैं, कॉरिडोर नहीं दे रहे हम जाने के लिए। चौथा क्या है, नेचुरल गैस इंडिया को प्रोवाइड नहीं करता बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के पास बहुत सारी प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इंडिया जब मांगता है कि भाई थोड़ी सी प्राकृतिक गैस हमारे को भी दे दो, व्यापार कर लो हमारे साथ, तो बांग्लादेश क्या करता है उस टाइम पे, मना कर देता है कि भाई हमारे को आपके साथ व्यापार नहीं करना है, तो बांग्लादेश मना कर देता है। पांचवा, म्यांमार को भी अपनी जमीन के थ्रू व्यापार करने से मना करता है। उसके अलावा हम सोचते चलो भाई तुम व्यापार नहीं कर रहे कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे म्यांमार के साथ व्यापार करेंगे, तो म्यांमार बगल में ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया बोलता है कि ठीक है हम म्यांमार के साथ व्यापार कर लेंगे, तो बांग्लादेश क्या करता है उसको भी मना कर देता है कि नहीं भाई जो व्यापार होगा वो हमारी जमीन के थ्रू नहीं होगा। तो उसमें भी बांग्लादेश क्या करता है, अड़ंगी लगाता है बीच में। ये बात समझ आ गई, ये सारे इंडिया की गवर्नमेंट के स्टैंड्स हैं, ये सब भारत सरकार का कहना है। अब हमारे को देखना है कि बांग्लादेशी सरकार क्या कहती है। ठीक है, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, पहला लिखा हुआ है बांग्लादेशी गवर्नमेंट फेल्ट, मतलब कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऐसा महसूस करती है, ऐसा फील करती है कि इंडियन गवर्नमेंट बिहेव लाइक रीजनल बुली, क्षेत्रीय बदमाशी, कि भारत सरकार या भारत जो है वो हमारे क्षेत्र में क्या करता है, क्षेत्रीय बदमाशी दिखाता है। जैसे आप सबके फ्रेंड सर्कल में होते हैं ना कई सारे लोग, हट्टे कट्टे से मोटे ताजे से जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कई बार बदमाशी ही दिखाने लग जाते हैं, जो कमजोर बच्चा है उसके थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ छेड़ाकानी कर दी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बांग्लादेश का कहना है कि भाई अगर आप देखो तो पूरे दक्षिण एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश है इंडिया का, बाकी सारे यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव वगैरह है ना, बांग्लादेश वगैरह, ये सारे देश क्या है, छोटे छोटे हैं, और सबसे बड़ा देश कौन है, इंडिया। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है ना, हमारे ऊपर क्षेत्रीय बदमाशी दिखा रहा है, उसको थोड़ा दबा हुआ महसूस होता है बांग्लादेशी गवर्नमेंट को। तो ये पहला बांग्लादेशी गवर्नमेंट का कहना है, समझ आ रहा है, तो भाई बदमाशी दिखा रहे हैं ऐसा कहते हैं हमारे को। ठीक है, दूसरा, चकमा ट्राइब्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट क्योंकि वो ऑलमोस्ट हिंदू और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और बांग्लादेश में मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उसके अलावा जैसे क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो है ना एक चकमा ट्राइब्स यानी जनजाति पाई जाती है चकमा नाम की। ठीक है, तो वो चकमा जनजाति जो है वो लगभग क्या है, हिंदू है या फिर बुद्धिस्ट धर्म के हैं, जबकि बांग्लादेश में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर हमारे को मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है और मुस्लिम लोग जो है बांग्लादेश के अंदर डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से जो चकमा जनजाति के लोग हैं उनको असुरक्षित महसूस होता है कि भाई हम जो है ना यहाँ पे ढंग से रह नहीं पा रहे हैं या फिर खुल के हम जो है ना जी नहीं पा रहे। तो चकमा ट्राइब्स जो है वहाँ पे क्या करती है, आंदोलन करती है और बांग्लादेशी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जो ये चकमा ट्राइब जो आंदोलन कर रही है ना कहीं इनको बढ़ावा जो है भारत सरकार दे रही है। ठीक है, तो ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि हमारे देश में जो चकमा ट्राइब के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, उनको इंडिया क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, हवा दे रहा है, समझ आ रहा है। तो ये दूसरा बोलती है बांग्लादेशी गवर्नमेंट कि भाई वो चकमा ट्राइब के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे देश से निकलने के लिए। तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट नेचुरल गैस निकालने का प्रयास करती है जबरदस्ती, ऐसा कहने का मतलब है बांग्लादेश की सरकार का कि भारत सरकार जो है ना वो क्या करती है, यहाँ से हमारे देश से प्राकृतिक गैस निकालने का बार बार प्रयास करती रहती है, ट्राई करती रहती है, ऐसा ये बोलते हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट वाले लोग। ये समझ आया, तो बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी कि भाई इंडिया क्या क्या कहता है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्या क्या कहती है। इन सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से याद करना, पहला है इलीगल माइग्रेंट्स कि बांग्लादेश से कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, दूसरा क्या है कि भाई बांग्लादेश सरकार इस्लामी कट्टरपंथियों का समर्थन करती है, मतलब उनको अपने क्षेत्रों से भगाती नहीं है और वो लोग क्या करते हैं बांग्लादेश की ज़मीन से इंडिया के अंदर मतलब कि हवा लगाते हैं और विरोध वगैरह करते हैं, इंडिया के खिलाफ काम करते हैं।
तीसरा, बांग्लादेश यदि अपने क्षेत्र से कॉरिडोर दे दे तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, कॉरिडोर वो हमको नहीं दे रहे हैं। नेचुरल गैस इंडिया को प्रोवाइड नहीं करता बांग्लादेश, म्यांमार को भी व्यापार करने से रोक देता है अपनी जमीन के थ्रू। उसके अलावा बांग्लादेशी गवर्नमेंट की भाई यहाँ पे ये क्षेत्र बदमाशी दिखा रहे हैं, चकमा ट्राइब्स के लोगों को बढ़ावा देते हैं, हवा दे रहे हैं। तीसरा, नेचुरल गैस निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके दोनों देशों के बीच में कॉन्ट्रावर्सी, हमेशा थोड़ी तनाव की स्थिति बननी रहती है। तो अब देखना है हमारे को कॉर्पोरेट्स ऑन मेन्यू इशू, क्योंकि अब जैसे क्या है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, बांग्लादेश के साथ हमारी दोस्ती भी है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट्स ऑन मेन्यू इशू की भाई कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उन्होंने क्या करा है, कॉर्पोरेट यानी सहयोग करा है, ठीक है। तो मेन्यू इशूज कई सारे ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर दोनों ही सरकार क्या करती है, कॉर्पोरेट सहयोग करती है, तो उनको देखना है हमारे को। पहला क्या है कि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी। अच्छा, हमने जब ये पहले वाला चैप्टर पढ़ा था सत्ता के नए केंद्र, उसके अंदर हमने आसियान के बारे में पढ़ा था जो कि ईस्ट के अंदर आते हैं, पूर्व के अंदर आते हैं। तो हमने पढ़ा था उसके अंदर कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, अब पूर्व की ओर देखो नीति अपना रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी अपना रहा है। वो क्या करता है, अब आसियान के साथ जो है ट्राई करता है कि हमारा जो है संबंध बढ़िया हो जाए, ठीक है, हम क्या करें, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए आसियान के साथ। तो मतलब कि इंडिया जो है ना अभी के टाइम पे आसियान पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया को जब अगर आसियान पे फोकस करना है तो अगर इस साइड हमारे को जाना है तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से होके जाना पड़ेगा, तो उसमें जो है ना बांग्लादेश क्या करता है, हमारी मदद कर देता है, ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी पूर्व की ओर देखो नीति जो है उसके अंदर बांग्लादेशी सरकार हमारी मदद करती है आसियान वाले देशों के साथ संबंध बनाने में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखी है, लुक ईस्ट पॉलिसी ब्रैकेट में लिखा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, क्योंकि जैसे क्या है, हम आसियान के साथ जब पहले संबंध बना रहे थे तो पहले उसको लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया था, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति, लुक मतलब देखो नीति, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बदल गई, अब ये क्या हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई सिंस 2014, 2014 से इसका नाम बदल गया और नाम हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि अब हमारे को सिर्फ देखना नहीं है, देखने से काम नहीं चलेगा, कब तक देखते रहोगे खड़े होके, लुक ईस्ट पॉलिसी से काम नहीं चलने वाला, हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा हमारे को। अब जो है सिर्फ बातों बातों में हवा नहीं करनी है, मतलब कि हवा हवा में बातें करना नहीं है हमारे को, सिर्फ देखना नहीं है, हमारे को क्या करना है, अब एक्शन लेना है, एक्ट करना है। तो इसीलिए उसका नाम बदल गया और नाम पड़ गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि अब ईस्ट की तरफ जाके एक्शन लो जाके, और ये नाम पड़ा 2014 से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बनाई गई, समझ आ गया। तो इस चीज में इंडिया और बांग्लादेश दोनों साथ में क्या करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, बांग्लादेश हमारी मदद करता है। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा में दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं, जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, जैसे भूकंप आ गया या फिर कभी बार बाढ़ आ गई, उसके अंदर कई सारे लोगों की मृत्यु होती है, घर वगैरह गिर जाते हैं, तो ऐसी आपदाओं के अंदर भी भारत सरकार क्या करती है, बांग्लादेश का मदद करती है और बांग्लादेश हमारी मदद करता है, समझ आया। ऐसे वो दोनों साथ साथ में है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्या है, इन 2014 दे एक्सचेंज सर्टेन इनक्लेव्स लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है। तो 2015 के अंदर बांग्लादेश और इंडिया ने क्या करा था, कई सारे एनक्लेव्स, कई सारे क्षेत्र वगैरह को एक्सचेंज किया था बॉर्डर वाले, ठीक है। तो बॉर्डर पे कई सारे क्षेत्र वगैरह दोनों देशों ने क्या करा, एक्सचेंज करे। इंडिया ने बोला कि भाई ये वाला क्षेत्र जो हमारे पास होना चाहिए, पहले हमारा था। बांग्लादेश ने बोला कि भाई ठीक है, वो वाला क्षेत्र हमारा था पहले, ठीक है। तो अब दोनों ने क्या करा, मिलके एक मीटिंग करके उसको एक्सचेंज कर लिया, चलो ठीक है आप वाला क्षेत्र ले लो, हमारे को वाला क्षेत्र दे दो, ठीक है। तो एक्सचेंज कर लिया साथ में बैठ के 2015 के अंदर, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी उसी को कहा जाता है। तो इस तरीके से ये तीन जो है यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेशन है दोनों देशों के बीच में। तो बांग्लादेश के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब अपने नेक्स्ट पड़ोसी के साथ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेपाल की। तो नेपाल के साथ हमारे संबंध कैसे हैं उनको देखना है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि बिना वीजा पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं। ये बात है नेपाल और इंडिया की, कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और नेपाल जाना चाहते हैं तो बेझिझक बिना पासपोर्ट के आप जो है आराम से नेपाल घूम के आ सकते हो।
किसी दोस्त को बताना है कि भाई हम जो है अब्रॉड घूमने गए थे, तो बोल दिया करो बस कि भाई मैं तो अब्रॉड घूमने गया था, फिर बताना मत लेकिन कहाँ गए थे, क्योंकि नेपाल है अपना अब्रॉड के नाम पे विदेश। आराम से घूम के आओ, कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा, नेपाल जाओ, ठीक है। तो बिना वीजा पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, ओपन बॉर्डर फॉर भारतीय सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स के लिए ओपन बॉर्डर है। उसके अलावा दूसरा कि 6 मिलियन नेपाली पॉपुलेशन इंडिया में काम करते हैं, जिससे नेपाल की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा है। 6 मिलियन नेपाली लोग नेपाल के इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, इस वक्त इंडिया से रोज़गार है उनका, और इस चीज़ से इंडिया से जो वो रोज़गार कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उससे जो नेपाल की इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन साथ ही साथ नेपाल के साथ हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हैं, ठीक है। तो एक बार उनको देख लेते हैं, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट, कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन से क्षेत्रों पर लड़ाई है। पहला, इंडियन गवर्नमेंट नाखुश है नेपाल एंड चाइना के गहराते राजनीतिक रिश्तों को लेकर। भारत सरकार इस बात से नाराज रहती है कि भाई जो नेपाल है, नेपाल के चाइना के साथ जो है ना संबंध बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दोनों लग रहा है रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जो है मतलब कि आसपास एकदम खतरनाक तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट इस चीज़ से भी क्या है, नाखुश है। और इस चीज़ के कारण भी दोनों देशों के अंदर, नेपाल और इंडिया के अंदर क्या होता है, कई बार मामला जो है गड़बड़ा जाता है। दूसरा, एंटी इंडियन एलिमेंट के खिलाफ नेपाल गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है। जैसे अभी हमने इससे पहले बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी बांग्लादेश की सरकार भी क्या करती है, जो एंटी इंडियन जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो ग्रुप्स होते हैं, जो भारत का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। वैसा ही सेम नेपाल भी है, नेपाल भी जो एंटी इंडियन एलिमेंट लोग हैं, भारत विरोधी तत्व जो है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। इस बात से भी इंडिया क्या है, नाखुश है। तीसरा, नेपाल भारतीय भूक्षेत्र के जरिए हमें समुद्र में जाने के लिए हमें इजियर एक्सेस नहीं मिल पाता, ऐसा नेपाल का कहना है। नेपाल कहता है कि भाई हमारे को जो है ना इंडिया समुद्र के अंदर जो है प्रवेश करने का मौका, इजियर एक्सेस मतलब कि हमारे को नहीं देता, मौका हमारे को मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, या फिर छीना छपटी करने के बाद मिलता है, ऐसा नेपाल का मानना है कि हमारे को समुद्र के अंदर जाने का रास्ता, इजियर एक्सेस नहीं मिल पाता, रास्ता नहीं मिल पाता नेपाल को। वो इंडिया के ऊपर ये आरोप लगा रहा है। तो इतनी छोटी सी बात हमारे को नेपाल के बारे में पढ़नी थी, वो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में सबसे पहला पॉइंट कि इंडिया श्रीलंका की सरकार के बीच में जातीय संघर्ष की वजह से क्या है, तनाव है। हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में, जब हमने टॉपिक देखा था तो उसमें क्या है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, एक सिंगली लोग हैं और एक तमिल लोग हैं। तो जब भी क्या होता है, श्रीलंका के अंदर तमिलों के ऊपर अत्याचार करा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है या फिर उनके अधिकार छीने जाते हैं, तो उसको लेकर जो भारत के अंदर जो तमिल लोग बैठे हुए हैं तमिलनाडु के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, अपनी सरकार से बोलते हैं इंडिया की, और इंडिया की सरकार फिर श्रीलंका की सरकार को बोलती है। तो इस चीज़ को लेकर भी इंडिया और श्रीलंका के अंदर थोड़ा बहुत तनाव क्रिएट हो जाता है, बातचीत लड़ाई झगड़े जैसा माहौल हो जाता है, ठीक है, जातीय संघर्ष के कारण। लेकिन श्रीलंका के साथ भी हमारा कॉरपोरेशन है, सहयोग है। पहला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है हमने श्रीलंका के साथ, तो मुक्त व्यापार समझौता जो है हमने श्रीलंका के साथ साइन कर रखा है। ये चीज़ इस चीज़ को दर्शा रही है कि भाई हमारे श्रीलंका के साथ जो है बढ़िया संबंध है। दूसरा, इंडिया हेल्प श्रीलंका इन पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन, इंडिया ने कई बार श्रीलंका की मदद करी है पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन, जब सुनामी वगैरह आती है श्रीलंका के अंदर, घर वगैरह तहस नहस हो जाते हैं बिल्कुल, तो उस चीज़ के रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया क्या करता है, श्रीलंका की हेल्प करता है, उसको दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करने के अंदर उसकी मदद करता है इंडिया। तो ये जो है, ये दोनों चीज़ें हमारे को सहयोग के बारे में बता रही है कि इंडिया कैसे सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो नेपाल देख लिया, श्रीलंका, अब बात है भूटान की, तो भूटान को देख लेते हैं। भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे, एक प्यारा सा देश है भूटान। तो पहले लिखा हुआ है, एंटी इंडियन ग्रुप्स के खिलाफ भूटान की सरकार ने
अच्छा काम किया है, जैसा कि बांग्लादेश और नेपाल की सरकार ने बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, बांग्लादेशी और नेपाली सरकार एंटी इंडियन ग्रुप्स के खिलाफ, भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ काम नहीं करती, जबकि भूटान की गवर्नमेंट ऐसा करती है। भूटान की गवर्नमेंट क्या करती है, उन सभी लोगों को मार पीट के अपने क्षेत्र से भगाती है और बोलती है कि भाई इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करोगे तुम। ठीक है, तो वो इंडिया का सपोर्ट करती है भूटान की गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट भूटान से इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है ताकि भूटान का क्या हो, डेवलपमेंट हो, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा जाए। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हम भरपूर मात्रा में बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम क्या करते हैं, भूटान से इलेक्ट्रिसिटी को परचेस करते हैं ताकि भूटान के पास थोड़ा पैसा जाए और उसका डेवलपमेंट हो पाए। तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो हम कर रहे हैं इसलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए हम ऐसा करते हैं। पहला तो ये भी है कि भाई भूटान की सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है एंटी इंडियन ग्रुप्स को भगा के, और दूसरा कारण ये है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा जो है ना बांग्लादेश मैंने बनाया है, ऊपर ये बी से भूटान बना हुआ है और यहाँ पे ये नेपाल। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि अगर हमारे को नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में जाना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत थोड़ा सा रास्ता है, हम वहीं से क्या कर सकते हैं, अपने पूर्वोत्तर राज्य यानी सेवन सिस्टर्स के अंदर जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। अब बात क्या आती है कि भाई यहाँ पे ये जो रास्ता है ना ये बहुत छोटा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है चिकन नेक। क्या नाम है, चिकन नेक। तो जैसे आप अगर मुर्गे की गर्दन देखते हो ना तो भाई वो सबसे नाजुक होती है। ठीक है, वो बहुत कमजोर होती है, उसको अगर तोड़ दे तो भाई मुर्गा एक बार में खत्म, वो नाजुक चीज है, इसीलिए इसको बोला गया चिकन नेक कि ये भी क्या है, यहाँ की नाजुक कड़ी है एकदम से, क्योंकि इसी चीज की वजह से हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे से कनेक्ट है। तो अगर बाय चांस क्या हुआ, चाइना ने भूटान को अपने साथ ले लिया या उसका सपोर्ट हासिल कर लिया, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे चिकन नेक जो है ना उसको तोड़ा जाए। ठीक है, और वो टूट के क्या हो जाए, हमारे से बिल्कुल पूर्वोत्तर राज्य क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो चाइना ऐसा कर सकता है बीच में बैरियर लगा के, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा भूटान के साथ रहते हैं, भूटान को पटा के रखते हैं अपनी साइड कि भूटान इंडिया के अलावा किसी और कंट्री का साथ ना दे। समझ आया, तो भूटान जब हमारे साथ रहता है, नेपाल के साथ भी लगभग संबंध बढ़िया है, बांग्लादेश के साथ भी लगभग बढ़िया संबंध हमने पिछला देखा, तो जब इन सभी देशों के साथ हमारे संबंध क्या होंगे, बढ़िया होंगे, तो चिकन नेक पे उतना खतरा नहीं है, इसीलिए हम भूटान को क्या करते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं। समझ आया, तो तीनों देशों के बारे में हमने पढ़ लिया, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। इससे पहले अभी हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, अब बचा है मालदीव। मालदीव के बारे में एक छोटी सी बात को जान लेते हैं। चलो भाई छोटी सी बात जनवाओ रोहित, रोहित जी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स के संबंध की। तो बात चल रही है 1988 के नवंबर की। तो 1988 के नवंबर में एक बार क्या हुआ, अब्दुल्ला लुत्फी नाम का एक इंसान था, अब्दुल्ला लुत्फी नाम के इंसान ने क्या करा, कुछ मिशनरीज को पैसा दिया ताकि वो क्या कर सके, मालदीव्स के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट कर सके। ठीक है, ये अब्दुल्ला लुत्फी कहाँ का था, श्रीलंका का। उसने क्या करा, श्रीलंका के अंदर ही कुछ तमिल मिशनरीज लोग थे। मिशनरीज कौन होते हैं, जो पेड वॉरियर्स होते हैं, मतलब कि जो पैसा लेकर लड़ाई करने का काम करते हैं। ठीक है, एक तरीके तुमने फिरौती वगैरह के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो फिरौती वगैरह वाला काम जो होता है वो मिशनरीज कहलाते हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला लुत्फी ने क्या करा, बहुत सारे मिशनरीज को पैसा दिया और उनको बोला कि भाई आपको जाना है मालदीव्स के अंदर और वहां की गवर्नमेंट का तख्ता पलट करना है। ये बात हुई, जब ये सारी बात मालदीव्स को पता लगी तो भाई उसको डर लगना स्टार्ट हुआ कि अब क्या होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी, हमारे देश के ऊपर कब्जा हो जाएगा। इस बात को लेकर मालदीव्स एकदम चिंता में था। तभी उसको याद आया इंडिया का कि भाई इंडिया एक ऐसा देश है जो सबकी मदद करता है, तो उसने उस टाइम पे इंडिया से मदद मांगी और इंडिया से जैसे ही मदद मांगी इंडिया ने तुरंत क्या करा, मालदीव्स की मदद करना स्टार्ट किया और जो हमारी इंडियन नेवी थी उसने क्या करा, मालदीव्स की हेल्प करी और उसको इस अब्दुल्ला लुत्फी नाम के इंसान से क्या करा, बचा लिया। तो ये किस्सा क्या करता है, हमारे को दर्शाता है कि भाई इंडिया और मालदीव्स के संबंध भी क्या है, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया संबंध है। उसके अलावा कई बार पर्यटन वगैरह के
मामले में भी दोनों के संबंध अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि मालदीव जो है एक अच्छा पर्यटन वहाँ पे देखने को मिलता है, अच्छा प्लेस है, लोग घूमने जाते हैं, उसकी वजह से भी मालदीव के पास पैसा आता है और दोनों के संबंध इंडिया और मालदीव के बढ़िया हैं। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे टॉपिक के अंदर देखा है कि भाई इंडिया की कभी बांग्लादेश के साथ बहस चल रही है, कभी नेपाल के साथ, कभी श्रीलंका के साथ, कभी मालदीव्स के साथ, यानी कि इंडिया के साथ हमेशा किसी न किसी की क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है। लेकिन अब बात यह है कि भाई हर बार इंडिया की ही लड़ाई नहीं होती सब देशों के साथ, कई बार क्या है कि आपस में भी देश क्या होते हैं, लड़ जाते हैं। और हमारे को जो ये इंडिया की लड़ाई सबके साथ देखने को मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अब यहाँ पे क्या है, पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक सबसे बड़ी कंट्री जिसका बॉर्डर सारी कंट्री उसके साथ शेयर होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई तो बनेगी बॉर्डरों की वजह से। ठीक है, क्षेत्रों की वजह से लड़ाई हो जाती है, इसलिए भी इंडिया को हम हर चीज हर मामले में इंटरफेयर देखने को मिल रहा है हमारे को। लेकिन सभी कन्फ्लिक्ट्स इंडिया एंड नेबर्स के बीच में ही नहीं है, आपस में भी कई बार लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। पहला लिखा हुआ है नेपाल और भूटान के बीच में। ठीक है, नेपाल से कई सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं भूटान में। माइग्रेशन मतलब प्रवास करते हैं। ठीक है, तो कई सारे लोग नेपाल से प्रवास करते हैं भूटान जाते हैं और भूटान को परेशानी होती है, इसकी वजह से नेपाल और भूटान में कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष देखने को मिलता है। दूसरा, म्यांमार के अंदर एक लोग रहते हैं जिनका नाम है रोहिंग्याज, जो म्यांमार के अंदर रहते हैं, वो रोहिंग्याज लोग भी क्या करते हैं, प्रवास करते हैं और बांग्लादेश आते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश को क्या होती है, परेशानी होती है। और इस कारण की वजह से जो बांग्लादेश है और म्यांमार है, इन दोनों के बीच भी क्या बना हुआ है, कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष बना हुआ है, इन दोनों के बीच लड़ाई होती है प्रवास की वजह से। तीसरा, नेपाल से रिवर जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, और नेपाल से एक नदी निकली और बहती बहती कहाँ गई, बांग्लादेश के अंदर। इस कारण दोनों के बीच शेयरिंग ऑफ वाटर को लेकर भी क्या है, लड़ाई है, पानी के बंटवारे को लेकर यहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश के बीच में क्या रहती है, लड़ाई रहती है। तो इन तीनों में आपने देखा कि भाई इंडिया का नाम कहीं पर नहीं आया, बिल्कुल इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, यानी इंडिया के अलावा भी कई बार देशों में आपस में क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी वीडियो में हमने यहाँ पे भारत के जितने भी पड़ोसी देशों थे सबके बारे में हमने एक एक करके अच्छे से पढ़ लिया है। वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।